ओके बेटा, 1 मिनट वेट कर लेते हैं, सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लें, फिर कंटिन्यू करते हैं हम। ओके जी स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने स्टॉप किया था। वी वर डिस्कसिंग बेनिफिट्स ऑफ इटरेटिव डेवलपमेंट। ठीक है, हमने इसके डिफरेंट बेनिफिट डिस्कस किए थे कि हमारे पास यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे, लास्ट की पॉइंट्स रहते थे, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम साथ साथ स्प्रिंट में काम कर रहे हैं, आइट्रेशन में काम कर रहे हैं, तो ईयरली फीडबैक जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ईयरली फीडबैक मीन कि हम कस्टमर के हैंड ओवर कर रहे हैं वर्किंग प्रोडक्ट, एंड आफ्टर यूजिंग ई एवरी वर्किंग प्रोडक्ट कस्टमर प्रोवाइड फीडबैक टू अस। तो कस्टमर का फीडबैक हमें मिल रहा है, थ्रू आउट यूजर की इंगेजमेंट है, हम जो साथ साथ आइट्रेशन पे काम कर रहे हैं, तो यूजर स्टार्ट से ही हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहा है और अडॉप्ट कर रहा है, चीज़ों को लर्न कर रहा है और साथ साथ हमें फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है। विच कैन लीड टूवर्ड्स अ रिफाइंड सिस्टम दैट मोर क्लोजली मीट्स द रियल नीड्स ऑफ द स्टेक होल्डर। तो हम साथ साथ सिस्टम भी हमारे पास रिफाइन होता चला जा रहा है, हर आइट्रेशन के बाद सिस्टम में रिफाइनमेंट के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, और क्लोजली आपका जो सिस्टम है वो आपकी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स हैं आपके स्टेक होल्डर्स की, उसको से मीट कर रहा है। मैनेज कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी मैनेज हो रही है, आपकी टीम को बार बार जो है वो एनालिसिस पैरालिसिस पे जो है वो वेट नहीं करना पड़ रहा। लाइक कि जब तक एनालिसिस कंप्लीट नहीं होगा हम डेवलपमेंट में नहीं जाएंगे, जो जो आपको अब रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं उसको एनालिसिस करें, डिज़ाइन करें, कोड करें, इंक्रीमेंट बना के हैंड ओवर करें। ठीक है, और बहुत लॉन्ग और जो है कॉम्प्लेक्स स्टेप्स नहीं है कि पूरे प्रोजेक्ट में जो वेटिंग स्टेट है बहुत ज़्यादा थ्रू आउट। अच्छा, इसमें यहाँ पे भी हम रोल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होते, हम इस पे जो है एज अ टीम काम कर रहे होते हैं, तो रोल ऐसे नहीं डिफाइन होते कि ये डेवलपर है यही कोड करेगा, ये एनालिस्ट है ये एनालिस करेगा। यहाँ पे सब एज अ टीम बैठ के काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे वो वेटिंग स्टेट और वो जो लॉग है बहुत ज्यादा लैग आ रहा था कि एक बंदा काम कर रहा है बाकी टीम मेंबर्स बैठे हैं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सब लाइक अ टीम काम करेंगे, क्योंकि आपके पास इंक्रीमेंट्स का टाइम बहुत शॉर्ट है, 1 to 2 months के अंदर अंदर आपको चीजें डिलीवर करके दिखानी होगी। तो इसलिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम इस पर बहुत ज्यादा जो है वो जो पहले वाले उसमें हमने देखा था SDLC में कि वहाँ पे वेटिंग बहुत ज्यादा है, कि जब तक आप स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आपको प्रीवियस वाला फेज कंप्लीट नहीं होता, तो वो चीज यहाँ पे नहीं है। द लर्निंग विद इन एन आइट्रेशन कैन बी मेथडोलॉजिकली यूज टू इम्प्रूव द डेवलपमेंट प्रोसेस इटसेल्फ आइट्रेशन बाय आइट्रेशन। जैसे जैसे आप आइट्रेशन टू आइट्रेशन मूव करते चलाएंगे, वैसे ही आपकी अपनी जो लर्निंग है वो क्या होती चली जाएगी, इम्प्रूव होती चली जाएगी। ठीक है, रेड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये भी हमारे पास इंक्रीमेंटल मॉडल की ही टाइप है। अब हम इंक्रीमेंटल मॉडल जो हमने डिस्कस किया है उसके हम डिफरेंट टाइप्स देखेंगे कि कौन कौन से फर्दर मॉडल ऐसे हैं जो इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर आते हैं, जिसमें से फर्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज रेड रैपिड एप्लीकेशन डिवेलपमेंट मॉडल, जो
कि इंक्रीमेंटल मॉडल की टाइप है, इसमें भी हम इंक्रीमेंट में ही काम कर रहे होंगे। इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी दैट यूजेस मिनिमम प्लानिंग इन फेवर ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग पे फोकस कम है और रैपिड प्रोटोटाइपिंग पे फोकस ज्यादा है, कि हम प्लानिंग कम से कम करें, बस जो रिक्वायरमेंट्स आनी है उसको इनिशियल जो है वो प्रोटोटाइपिंग क्रिएट करके हम उस प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर दें। इट इज अ हाई स्पीड एडॉप्टेशन ऑफ द लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल इन विच फुली फंक्शनल सिस्टम इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, 2 to 3 मंथ। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एडॉप्टेशन है लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल की, ऑल्दो इट्स एन इंक्रीमेंटल मॉडल, बट ये जो एडॉप्ट कर रहा है फीचर्स वो कहाँ से कर रहा है, SDLC के फीचर कर रहा है। और यहाँ पे हमारे पास फोकस क्या होता है, वी आर गोइंग टू डेवलप अ फुली फंक्शनैलिटी सिस्टम इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, लाइक 2 to 3 मंथ। 2 से 3 मंथ के महीने के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम कोशिश होती है कि सॉफ्टवेयर डेवलप करके इम्प्लीमेंट कर दें, दैट इज रैपिड। रैपिड का मतलब है रैपिड फायर एक्टिविटीज होंगी, फौरन फौरन से हम काम कर रहे होंगे, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। दिस मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है एक लिमिटेशन ये है कि ये मॉडल आप तब यूज कर सकते हैं जब आपके पास प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स में ब्रेक हो सके। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास हमने अपने प्रोजेक्ट मॉड्यूल में ब्रेक हो सकता है, तभी हम रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मॉडल यूज कर सकते हैं, दैट इज द लिमिटेशन। अगर प्रोजेक्ट फेजेस में डिवाइड नहीं हो सकता तो फिर आप उसके लिए रेड यूज नहीं कर सकते, अगेन क्योंकि ये मॉड्यूलर बेस्ड है, मॉड्यूल पे आप काम कर रहे हैं तो हर मॉड्यूल पे अलग अलग टीम्स असाइन होंगी, तो अगर प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स में ब्रेक ही नहीं हो सकता तो फिर यू कैन नॉट अप्लाई रेड ऑन इट। दिस मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल इन द प्रोजेक्ट वेयर रिक्वायरमेंट्स आर वेल स्टूड एंड प्रोजेक्ट स्कोप इज कंस्ट्रेंड। बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज यूज प्राइमरली फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम। यूजली रेड एप्लीकेशन को हम कहाँ यूज कर रहे होते हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आपको पहले से बहुत अच्छी तरह से पता हो कि हमें क्या क्या चीजें ऐड ऑन करनी है और प्रोजेक्ट का स्कोप जो है वो फाइनलाइज हो। ठीक है, बार बार चीजें चेंज ना, क्योंकि ये रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हम बहुत फास्ट पेस पे काम कर रहे होते हैं, जब हमारे पास पेस बहुत ज्यादा होता है तो हमारे पास फर्दर और अपफ्रंट रिक्वायरमेंट्स को जो है वो वेलकम करने का टाइम नहीं होता। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हम क्या कर रहे होते हैं, हम प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में ब्रेक करके हर मॉड्यूल एक टीम को असाइन करके और 2 से 3 महीने का टाइम सबको देकर सब उस पर काम कर रहे होते हैं। अ टिपिकल रेड लाइफ साइकिल इज कम्पोज ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस, रिक्वायरमेंट प्लानिंग, यूजर डिजाइन, रैपिड कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स की प्लानिंग कर रहे होते हैं, यूजर डिजाइन जनरेट कर रहे होते हैं, जो डिजाइन जनरेट किया उसकी कंस्ट्रक्शन एंड देन उसको ट्रांजिशन कर रहे होते हैं इनटू अ सिस्टम। ये हमारे पास रेड लाइफ साइकिल है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। रिक्वायरमेंट आ रही होंगी आपके पास, आप उनको प्लान कर रहे होंगे, देन उन रिक्वायरमेंट्स को आप डिजाइन कर रहे होंगे, देन रैपिड कंस्ट्रक्शन स्टेज। अच्छा, इस स्टेज में आप मॉड्यूल्स में प्रोजेक्ट को ब्रेक कर रहे होंगे। ठीक है, और हर मॉड्यूल पे आप किस तरीके से आइट्रेशन 1, आइट्रेशन 2, आइट्रेशन 3 एंड एन आइट्रेशन, एनालिसिस डिजाइन कोड और टेस्ट, फिर नेक्स्ट मॉड्यूल के लिए एनालिसिस डिजाइन कोड एंड टेस्ट, फिर नेक्स्ट मॉड्यूल के लिए एनालिसिस डिजाइन फीचर्स, फेजेस सारे वही हैं जो बेसिक प्रोसेस मॉडल के थे ट्रेडिशन के, बट वही काम आप आइट्रेशन में कर रहे हैं। अच्छा, एक और इसकी रैपिड में हम इसको इसके भी कह रहे हैं कि रेड में हमारा फोकस ये होता है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी जब आपने पढ़ी होगी कोर्स, उसमें आपने एक मेन ऑब्जेक्ट पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी इज दैट कि हमने एक कंपोनेंट बना दिया, उसको सेव कर दिया, नाउ इट कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर और अपकमिंग अप प्रोजेक्ट्स एज वेल। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन उसको हम करें, थोड़ा सा रिफाइन करें और उस एग्जिस्टिंग कंपोनेंट को ही रिफाइन करके हम यूज कर सकें, सो दैट हमारे पास ये ना हो कि हमें हर चीज स्क्रैच से बिल्ड करनी पड़े। वी शुड नॉट री इन्वेंट द व्हील। हमें स्क्रैच से काम करने के बजाय अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, तो हम उन एग्जिस्टिंग कंपोनेंट को यूटिलाइज कर सकें अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ये भी होता है कि रेड में वी कैन यूज रीयूजेबल कंपोनेंट्स।
रियूजेबल कंपोनेंट्स हम कैसे यूज करें. लेट से हमारे पास प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट को हमने मॉड्यूल्स में ब्रेक किया. मॉड्यूल्स में ब्रेक करने के बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि उस मॉड्यूल से मिलता जुलता क्या कोई और मॉड्यूल हमारे पास लाइब्रेरी में बिल्ट इन मौजूद है. अगर है तो उसको रिफाइन करके अपने प्रोजेक्ट का पार्ट बना लें. पूरी चीज़ स्क्रैच से करने की जरूरत नहीं है, जो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन है वो तो आप डेफिनेटली करेंगे, उसको आप अपने प्रोजेक्ट का पार्ट बना दें. और इसमें हम ये भी कर रहे होते हैं कि हम हर आइट्रेशन डिफरेंट टीम्स को असाइन कर देते हैं, टीम वन, टीम टू, टीम थ्री एंड सो ऑन. और हर टीम जो है वो पैरेलल काम कर रही होती है, और काम किस तरीके से कर रही होती है, उसी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, उस आइट्रेशन में जो टास्क उसको मिला है, जो रिक्वायरमेंट फंक्शनल मिली है, उसी को एनालिसिस, डिजाइन, कोड और टेस्ट. मीनवाइल नेक्स्ट टीम पैरेलल पे जो उसको सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स मिली है उस पर एनालिसिस, डिजाइन, कोड और टेस्ट करके अलग अलग इंक्रीमेंट्स में काम कर रहे होंगे. और ट्रांजिशन स्टेज पे जो लास्ट स्टेज में, उसमें हर अलग अलग आइट्रेशन पे जो आपने काम किया आप उसको इंटीग्रेट करके फाइनल कंप्लीट सिस्टम डेवलप करोगे. और फिर उसके बाद कस्टमर जो वर्किंग एनवायरनमेंट में उसको डिप्लॉय कर दोगे, ट्रांजिट कर दोगे. ये फॉलोइंग स्टेजेस हैं, ये इसकी लाइफ साइकिल है. रिक्वायरमेंट प्लानिंग टास्क, रिक्वायरमेंट प्लानिंग टास्क में आप क्या कर रहे होंगे, यूजर्स, मैनेजर्स एंड आईटी स्टाफ एग्री अपॉन बिजनेस नीड्स, प्रोजेक्ट स्कोप एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, ऑब्टेन अप्रूवल टू कंटिन्यू. जो हमने एयरली फेज देखा है, रिक्वायरमेंट प्लानिंग स्टेज, इस फेज में क्या होगा, आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठ के आपके जो प्रपोज सिस्टम है उसका स्कोप फाइनलाइज करेंगे कि हमने बनाना क्या है. ठीक है, बिजनेस नीड क्या है, हम क्यों इस तरीके का सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, व्हाट आर द बिजनेस नीड, मार्केट में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों बना रहे हैं हम ये सिस्टम. फिर उसके बाद जो है आप क्या कर रहे होंगे, उसके बाद आप प्रोजेक्ट इसको फाइनलाइज करोगे, सिस्टम की रिक्वायर. सबसे पहले तो बिजनेस नीड बताओगे, एक कॉम्पिटेटिव एनालिसिस हम परफॉर्म करेंगे कि हम ये एप्लीकेशन बना क्यों रहे हैं, इसका क्या फायदा है. देन प्रोजेक्ट का स्कोप फाइनलाइज करेंगे कि प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हमने रखनी है और क्या क्या चीज़ें प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं होंगे. तो प्रोजेक्ट स्कोप इज बेसिकली बाउंड्री ऑफ द प्रोजेक्ट एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट. सिस्टम रिक्वायरमेंट जब प्रोजेक्ट का स्कोप फाइनलाइज हो गया, नाउ यू कैन आइडेंटिफाई सिस्टम रिक्वायरमेंट है सर, जिसमें आप ये डिटरमाइन करें हाउ सिस्टम के कौन कौन से फीचर्स होंगे. देन आपके पास अप्रूवल आएगा, जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा फिर आप आगे कंटिन्यू करेंगे. अपर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट का अप्रूवल आएगा, देन आप उसके बाद कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट फेज यूजर डिजाइन टास्क, ये वाला यूजर डिजाइन स्टेज, जो रिक्वायरमेंट्स आ गई, अब उसके बाद नेक्स्ट टास्क इज यूजर डिजाइन टास्क, इंटरेक्ट विद यूजर्स. इस वाले फेज में आप एंड यूजर से कम्युनिकेट करेंगे जो सिस्टम को एक्चुअल यूज करेंगे, बिल्ड मॉडल्स एंड प्रोटोटाइप्स, उन्हीं की गिवन रिक्वायरमेंट्स पे आप मॉडल जनरेट करेंगे और प्रोटोटाइप यानी कि यूजर इंटरफेस डिजाइन करेंगे. एंड देन कंडक्ट जेट जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेशन. ठीक है, ये क्या है, जेट क्या है, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेशन. जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें डिवेलपर्स भी आ गए, एनालिस्ट भी आ गए, टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी आ गए, बिजनेस परस्पेक्टिव के आपके पास जो है एनालिस्ट भी आ गए, वो सब मिलके जो प्रोटोटाइपिंग और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको डिस्कस करके सिस्टम का क्या कर रहे होंगे, एक ज्वाइंट सेशन कंडक्ट करके सारी चीज़ें डिटरमाइन कर रहे होंगे, डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होंगे कि हमने क्या चीज़ कैसे करनी है. कंस्ट्रक्शन टास्क, कंस्ट्रक्शन टास्क पे यहाँ पे जो जेड मिलके जो स्ट्रक्चर फाइनलाइज करेगा, जो टोटल सिस्टम का एक लेआउट बनेगा, उस लेआउट को आप इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे, कंस्ट्रक्शन टास्क में. प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कोडिंग, यूनिट इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था. यूनिट टेस्टिंग, एक मेथड लिखा, एक मॉड्यूल मैं नहीं कह रही, मैं एक मेथड कह रही हूँ. लेट्स से आपने एक मेथड लिखा, मेथड वन, उसको टेस्ट कर लिया, मेथड टू लिखा, उसको टेस्ट कर लिया, मेथड थ्री, उसको टेस्ट कर लिया. इंडिविजुअल हर एक एक मेथड को आपने टेस्ट किया. फिर उसके बाद मेथड, जब एक मेथड दूसरे को कॉल कर रहा है तो एक्चुअल मेथड यूज करके आपने इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर दी, कि जब सारे मेथड एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू मैसेज पासिंग, मेथड पासिंग, मेथड कॉलिंग, तो फिर उसके बाद सिस्टम कैसे काम कर रहा है, दैट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग. एंड सिस्टम टेस्टिंग है, अगर आपके पास पूरा कंप्लीट वर्किंग सिस्टम को आपने टेस्ट कर दिया, जिसमें अगर हार्डवेयर वगैरह भी इन्वॉल्व है तो हार्डवेयर वगैरह भी हम बैठ करके पूरे कंप्लीट सिस्टम को आपने टेस्ट कर दिया. लास्ट फेज इज ट्रांजिशन टास्क.
ट्रांजिशन टास्क वाल में हम क्या करेंगे, द फाइनल फाइनल फेज इज कंसर्न विद मूविंग द फाइनल प्रोडक्ट अक्रॉस टू द कस्टमर। जो फाइनल वर्किंग प्रोडक्ट है जो अलग अलग इंक्रीमेंट्स में थी उनको एक इस पे एक प्रोजेक्ट में एक प्रोडक्ट में मर्ज करें, एक एप्लीकेशन में मर्ज करें और कस्टमर के हैंड ओवर कर दें। टिपिकल एक्टिविटीज इन दिस फेज इंक्लूड बीटा रिलीजेस फॉर टेस्टिंग बाई द यूजर कम्युनिटी। आप बीटा टेस्टिंग का भी मैंने आपको ओवरव्यू दिया था। एल्फा टेस्टिंग वो जो आप खुद अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर कर रहे होते हैं और बीटा टेस्टिंग वो जो आपके कस्टमर कर रहे होते हैं। आपने अपने सॉफ्टवेयर को रिलीज कर दिया और कुछ यूजर्स उसको यूज़ कर रहे हैं सो दैट उस सिस्टम को वो इंस्पेक्ट कर सकें, इवेलुएट कर सकें और उसकी टेस्टिंग कर सकें। फैक्ट्री टेस्टिंग, फैक्ट्री टेस्टिंग क्या होगी, और रनिंग टेस्टिंग द प्रोडक्ट इन पैरेलल विद द लेगेसी सिस्टम दैट द प्रोडक्ट इज रिप्लेसिंग। अच्छा, अगर तो आपने जो न्यू सिस्टम बनाया है उसका कोई प्रीवियस वर्जन या कोई लेगेसी सिस्टम है जो काम कर रहा है, ठीक है, कोई और प्रीवियस सिस्टम भी है तो आप उसके साथ मिला के दोनों को मर्ज करके काम कर रहे होंगे, ठीक है। प्रीवियस वाला टोटली डिस्कार्ड नहीं हो जाएगा, आप पैरेलल में काम कर रहे होंगे, ठीक है। इसकी एक वर्किंग एग्जांपल मैं आपको ये दे सकती हूँ, जैसे LMS का इंटरफेस चेंज हो गया है, नया इंटरफेस है, जब हमने न्यू इंटरफेस से लॉग इन किया तो उसमें जो प्रीवियस कोर्सेज थे वो हमें व्यू नहीं हो रहे, ठीक है, एज अ फैकल्टी। लेकिन अब हमें जैसे फाइलिंग करनी है, रिजल्ट जो है किसी स्टूडेंट्स के जैसे फाइनेंशियल इशूज थे वो नहीं उनका रिजल्ट अपलोड हो चुका था, तो अब वो जैसे अपनी फी पे करें तो अब हमें उनका रिजल्ट वहाँ अपलोड करना है, तो वो प्रीवियस कोर्स नए इंटरफेस में नजर नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, वो जो प्रीवियस सिस्टम था, जो प्रीवियस इंटरफेस था, वो भी हमारे लिए वर्किंग में है, तो हम दोनों को पैरेलल में चला सकते हैं। कुछ फीचर जो पुराने हैं उसके लिए और जो नए वाले जो कोर्सेज हैं उसके लिए न्यू वर्जन ऑफ ये जो न्यू इंटरफेस है LMS का, ठीक है। तो फैक्ट्री टेस्टिंग में हमारे पास क्या होगा कि जिसमें हम पुराना और नया सिस्टम दोनों पैरेलल में एक साथ चला रहे होंगे। जैसे एक और एग्जांपल है कि मैं एग्जांपल दूंगी अटेंडेंस की, जो हमारी अटेंडेंस होती है फैकल्टी की या एम्प्लॉयज की दो तरीकों से होती है, थ्रू थम इम्प्रेशन, थ्रू सिस्टमेटिक वे, जो कि हमारे पास न्यू सिस्टम है, और साथ साथ फैजान भाई भी वहाँ पे हमारी रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, हमारी एम्प्लॉय ID, नेम और टाइमिंग। इन केस अगर सिस्टम लाइट चली गई, सिस्टम डाटा डेटाबेस में प्रॉपरली भेज नहीं सका तो उनके पास मैनुअली भी रिकॉर्ड हो, तो पुराना और नया सिस्टम को पैरेलल में चलाना। जब तक आप कम्प्लीटली नए सिस्टम से सेटिस्फाई नहीं हो जाए, आप प्रीवियस को डिस्कार्ड नहीं कर रहे होते, बैकअप के लिए रखते हैं। डेटा टेक ऑन कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस अक्रॉस टू न्यू फॉर्मेट्स इंपोर्टिंग डेटा, ठीक है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई डेटाबेस है और आप एक नए सिस्टम की तरफ जा रहे हैं तो आप पूरा डेटाबेस दोबारा से तो नहीं बनाएंगे, ठीक है, लेकिन जो नया इंटरफेस है उस पर फॉर्मेट चेंज है, तो एग्जिस्टिंग डेटाबेस के लिए हमारे पास प्रोग्राम कन्वर्जन मैकेनिज्म यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और एग्जाम्पल वो LMS की यहीं से आएगी, इम्पोर्टिंग डेटा। जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल ऊप का कोर्स पहले भी पढ़ाया था, अब भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कोर्स मैंने पहले पढ़ाया था, LMS का इंटरफेस चेंज हो गया, उससे पहले जो मेरे पास कोर्स वहाँ सारा डाटा पढ़ा है, डेटा किस तरीके से पढ़ा है, सारे के सारे कोर्सेज के लेक्चर्स वगैरह, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर लिंक्स तो नए होंगे लेकिन प्रीवियस डेटा सेम रहेगा, प्रोजेक्ट टेम्पलेट, प्रोजेक्ट टाइटल, वो जो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह, वो सारी चीज़ें, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोजेक्ट जो ई बुक है, ठीक है। अब वो सारी चीज़ें मेरे पास कोर्स का कंप्लीट मेरे पास फाइल वहाँ LMS पे बनी हुई है जो प्रीवियस मैंने पढ़ाया था। अब नए वाले में मुझे क्या है कि मुझे सारी चीज़ें दोबारा से अपलोड 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 करनी पड़ेंगी, तो हमारे पास एक इम्पोर्ट का भी फीचर होता है। तो अब इम्पोर्ट हम कैसे करेंगे, प्रीवियस वाले को मैं रिस्टोर करूँगी, वो मेरे पास एक फाइल बन जाएगी, और नए वाले इंटरफेस में जाके मैं अपने जो नए कोर्स है ऊप का उसमें मैं उस फाइल को, उस रिस्टोर फाइल को इम्पोर्ट कर दूंगी, तो वो जो सारे कंटेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली मेरे पास इस कोर्स में भी आ जाएंगे, मुझे दोबारा से वो काम रीवर्क नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे पास ऐसे इम्पोर्ट मैकेनिज्म भी होते हैं, ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं जो एक डेटा को इम्पोर्ट करके दूसरी जगह पे रिस्टोर करके हम दूसरी जगह इम्पोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम रीयूज कर सकें, हमें दोबारा से स्क्रैच से जो है वो सारी डेटाबेस और टेबल्स और वो डेटा सारा इम्पोर्ट करवा लें, हमें स्क्रैच से ना करना पड़े, ठीक है। तो काम मेरा टाइम बच जाएगा, वो चीजें जो मैंने अपलोड की हैं वो मेरे नए सॉफ्टवेयर पे भी हो जाएंगी, ठीक है। यही चीज मैं अब आप इस ये एनालिसिस एंड डिजाइन का कोर्स मैंने पहले भी पढ़ाया है, तो उसके लेक्चर्स या तो मैं वन बाय वन सारे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ जो कि टाइम कंज्यूमिंग है,
तो मैं एक काम ये करूंगी कि मैं पूरे उसका बैकअप ले लूंगी एनालिसिस एंड डिजाइन के कोर्स का, और आपके इस वाले कोर्स में इंटरफेस में जाके, एलएमएस के न्यू इंटरफेस में आपके इस नए कोर्स में जाके मैं वो सारी की सारी चीजें वहां रिस्टोर करूंगी और यहाँ इम्पोर्ट कर लूंगी। तो मुझे दोबारा से सारी चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप या अपलोड नहीं करनी पड़ेंगी, वो सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएंगी। ट्रेनिंग द न्यू यूजर्स, नए यूजर्स को ट्रेन करना है कि कैसे काम करना है, एंड देन मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स। फिर हम नेक्स्ट फेज क्या करेंगे, मार्केटिंग होगी प्रोजेक्ट की, डिस्ट्रीब्यूशन होगी और उसकी सेल्स वगैरह, ये किस तरीके से हमने इसको मार्केट में फर्दर सेल आउट करना है। जी क्लास, यहाँ तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, जो हमारे पास कोर एलिमेंट्स हैं रेड के, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के जो कोर एलिमेंट्स हैं, दैट इज प्रोटोटाइपिंग। सबसे पहले हम प्रोटोटाइपिंग कर रहे होंगे रेड में, सो दैट हमें एक आइडिया हो जाए कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को विजुलाइज हम कर सकें, और कस्टमर भी एक्सप्लिसिटली विजुलाइजेशन देखकर अपनी रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लेन कर सके। आइटरेटिव डेवलपमेंट मीन्स यहाँ पे हम आइट्रेशन में काम कर रहे होंगे, पूरे प्रोजेक्ट पे एक साथ काम करने के बजाय हम उसको मॉड्यूल्स में ब्रेक कर देंगे और हर मॉड्यूल एक डिफरेंट टीम को असाइन कर देंगे। टाइम बॉक्सिंग मीन्स हम टाइम डिवाइड करेंगे कि फर्स्ट मंथ में या फर्स्ट 2 वीक्स में, क्योंकि यहाँ यूजली हमारे पास रेड में 2 to 3 months का टाइम होता है, तो यहाँ पे हम टाइम बॉक्सिंग कर रहे होंगे कि किस तरीके से हम टाइम को जो है वो असाइन करेंगे, कौन सी रिसोर्सेज, कौन सी स्प्रिंट, कौन सी इंक्रीमेंट किस टाइम ड्यूरेशन में हम कंप्लीट करेंगे। देन नेक्स्ट मंथ इज टीम मेंबर्स डिफाइन करेंगे। अच्छा, रेड के लिए हमें ज्यादा टीम चाहिए क्योंकि हम कह रहे हैं कि हर आइट्रेशन डिफरेंट टीम करिए, क्योंकि हमें 3 महीने के अंदर पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो हम ये नहीं वेट करेंगे कि एक आइट्रेशन 1 कंप्लीट होगी फिर वही टीम आइट्रेशन 2 पे काम करेगी। हम हर आइट्रेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टीम्स असाइन करेंगे। जब टीम असाइन करेंगे तो टीम के लिए भी कुछ स्किल सेट और एक्सपर्टीज होनी चाहिए जो रिक्वायर्ड होती है रेड पे काम करने के लिए। हर टीम या हर जो है वो एम्प्लॉय जो है वो हमारे पास रेड पे काम नहीं कर सकता, इसके लिए कुछ डिफरेंट स्किल सेट और एक्सपर्टीज चाहिए होते हैं, और हम यहाँ पे रीयूजेबल कंपोनेंट्स का भी यूज कर रहे होते हैं, तो उन रीयूजेबल कंपोनेंट्स को कैसे मॉडिफाई किया जाएगा, तो वो सारी चीजें जो है वो इसमें इन्वॉल्व होती है, तो इसीलिए स्किल सेट और एक्सपर्टीज हमें थोड़ा सा हाई चाहिए होता है। एंड वी हैव डिफरेंट टूल्स ऑफ रेड, जैसे हम कह रहे हैं रीयूजेबल कंपोनेंट, तो उन रीयूजेबल कंपोनेंट को न्यू सिस्टम में कैसे एम्बेड करना है, उसके लिए मॉडिफिकेशन क्या होगी, तो वी कैन यूज डिफरेंट टूल्स ऑफ रेड फॉर प्रोटोटाइपिंग एज वेल टाइम बॉक्सिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट,
तो रेड के डिफरेंट टूल्स भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं. सो दीज आर द फोर एलिमेंट्स ऑफ रेड. ठीक है, वन बाय वन इन्होंने एक्सप्लेन किया. टाइम बॉक्सिंग क्या है? स्टेक टाइम बॉक्सिंग इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रेड, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम है, 3 मंथ के अंदर पूरा कंप्लीट करना है प्रोजेक्ट, तो इसीलिए हम स्टेक टाइम बॉक्सिंग एक्टिविटी यूज करेंगे. जो टाइम हमने दिया हमने उसको एज इट इज ऐसे ही फॉलो करना है. दिस इज अ रिजिड अप्रोच विच सेट्स अ फिक्स टाइम पीरियड इन विच अ पर्टिकुलर आइटरेशन मस्ट बी कम्प्लीटेड बाय. जो आइटरेशन को कम्प्लीट होने का आपने टाइम दिया उसी टाइम के अंदर अंदर उस आइटरेशन को कम्प्लीट होना है. If an iteration is not complete by the end of the time box, the iteration ends anyway. अगर जो आपने time उसको दिया है उस time के अंदर वो iteration complete नहीं हो पा रही तो किसी भी तरीके से आपने उसको end करना है. The crucial activity associated with time boxing is the review and the end of iteration. ठीक है, हर time boxing के साथ आपने हर iteration के end में एक review activity रखनी है. The review must explore the reasons for any delays. वो रिव्यू क्या करेगा? वो रीजन बताएगा कि अगर कोई डिले आया तो क्यों आया. एंड मस्ट रीस्केड्यूल एनी अनफिनिश्ड वर्क इनटू फ्यूचर आइट्रेशन. और अगर किसी आइट्रेशन का काम, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि अगर एक आइट्रेशन जो टाइम उसको असाइन किया उसमें नहीं कम्प्लीट होती है, तो किसी सूरत आप उसको एंड करें और जो रिमेनिंग टास्क रह गया उसका उसको नेक्स्ट फ्यूचर आइट्रेशन में प्लान करें कि इसको हम कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं. और हर आइटरेशन के एंड में एक रिव्यू की एक्टिविटी भी कंडक्ट करें जो आपको ये बता रही होगी कि जो डिले आ रहा है उसका रीजन क्या है, सो दैट जब आप नेक्स्ट आइटरेशन पे काम करें तो वो जो रीजन है वो नेक्स्ट आइटरेशन पे ना इफेक्ट हो सके. टीम मेंबर्स, द रेड मेथोडोलॉजी रेकमेंड द यूज ऑफ स्मॉल टीम्स दैट कंसिस्ट ऑफ एक्सपीरियंस वर्सेटाइल एंड मोटिवेटेड मेंबर्स दैट आर एबल टू परफॉर्म मल्टीपल रोल्स एट अ टाइम. ठीक है, यहाँ पे हर टीम मेंबर जो है जरूरी नहीं है कि जिस जिसका स्किल सेट कम हो वो भी रेड पे काम कर सके. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्सपीरियंस मोटिवेटेड मेंबर चाहिए जो कि मल्टीपल रोल्स एट अ टाइम परफॉर्म करने की एबिलिटी रखते हो. डेवलपमेंट टीम्स आल्सो नोन एज स्वैड और स्किल्ड वर्कर्स विद एडवांस टूल्स. ठीक है, यहाँ पे जो टीम की हमें फंक्शनलिटी रिक्वायर्ड है वो है स्किल्ड वर्कर्स विद एडवांस टूल. ऐसे वर्कर्स जो स्किल्ड हो और जिनको एडवांस टूल पे काम करना भी आता है. शुड आइडियली हैव एक्सपीरियंस इन रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड शुड हैव एक्सपीरियंस विद द कंप्यूटर एडिट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स. और उनको केस टूल पे भी काम आता हो. लेट से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कौन सा टूल यूज करना है, प्रोटोटाइपिंग के लिए कौन सा यूज करना है, रेड के अलावा भी और टूल्स पे उनको काम करना आता हो. Red tools. One of the primary objective of rapid application development methodology developed by James Martin in the late 1980s was to take advantage of the latest technology available to speed development. ठीक है, red tools क्या कह रहे हैं कि अब जो latest हमारे पास technologies हैं हम उनको utilize करते हुए अपने software को develop करें. जी क्लास, red model में कोई confusion, कोई question? कोई क्योरी है तो आप लोग पूछ रहे हैं, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट मॉडल जो है स्पाइरल मॉडल हम वो स्टार्ट करें. ओके, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मॉडल.
ठीक है, स्पाइरल मॉडल जो है वो हमारे पास इंक्रीमेंटल एवोल्यूशनरी मॉडल के टाइप है, विच वाज डेवलप्ड बाय बैरी बॉम। बैरी बॉम ने इसको डेवलप किया था, और जो इसका मेन इम्पैक्ट है, मेन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है रिस्क हैंडलिंग, कि हम रिस्क को हर फेज में मिनिमाइज करने की कोशिश करें। क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है स्टार्ट से, और जब हम उस रिस्क को मॉनिटर मैनेज नहीं कर रहे होते तो वो नेक्स्ट फेजेस पे और ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। सो दिस मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय बैरी बॉम। बैरी बॉम ने डिज़ाइन किया रिस्क को, क्योंकि रिस्क फैक्टर बहुत हाई होता था जब हम डिफरेंट प्रोसेस मॉडल यूज़ कर रहे हैं, और रिस्क को कैटर करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए ऐसा कोई ऐसा प्रोसेस मॉडल नहीं था जो रिस्क पे फोकस करे। ठीक है, लेकिन जो है ठीक है, तो जो मेन फोकस है यहाँ पे इस प्रोसेस मॉडल का वो क्या है, कि हम रिस्क पे फोकस करें। ठीक है, स्पाइरल मॉडल इज कॉल्ड मेटा मॉडल बिकॉज इट यूजेस बोथ वाटरफॉल एंड प्रोटोटाइप मॉडल। ठीक है, स्पाइरल मॉडल क्या कर रहा है, मेटा मॉडल पे फोकस कर रहा है, जो कि मर्जर है वाटरफॉल और प्रोटोटाइप मॉडल। वैसे तो ये इंक्रीमेंटल मॉडल है, और इसमें वाटरफॉल और प्रोटोटाइप के दोनों के फीचर्स ऐड होंगे। स्पाइरल मॉडल कंसिस्ट ऑफ फोर मेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फेजेस। में हमारे पास चार मेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फेजेस होते हैं। द होल डेवलपमेंट प्रोसेस रिपीटेडली पासेस थ्रू दीज स्टेजेस इज आइट्रेशन इज कॉल्ड स्पाइरल। ठीक है, है तो इंक्रीमेंटल मॉडल ही, बट वाटरफॉल और प्रोटोटाइपिंग को यूज करते हुए हम इस मॉडल पे काम करें। अच्छा देखिए, अगर आप एक चीज नोट करें, तो जो फर्स्ट फेज था, जो हमने फर्स्ट प्रोसेस मॉडल पढ़ा था सिक्वेंशियल, उसके जो टास्क है वही सब फेजेस सारे रिमेनिंग मॉडल्स में यूज हो रहे हैं, बट थोड़ी सी रीडेफिनेशन, उसमें रीडिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब फेजेस क्या है, और हर आइटरेशन को हम यहाँ पे एक स्पाइरल कह रहे हैं। इन इट सिंप्लीफाइड फॉर्म द स्पाइरल मॉडल इज वाटरफॉल मॉडल प्लस रिस्क एनालिसिस। अगर हम सिंप्लीफाइड वर्जन में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो स्पाइरल मॉडल एक वाटरफॉल मॉडल है विथ रिस्क एनालिसिस, और इसमें हम आइट्रेशन पे काम करें। वाटरफॉल पे पूरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, यहाँ पे जो जो रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं उसी को एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, फिर नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आई, और उसको हम पूरा एक स्पाइरल के जैसे, अगर एक ये देखें इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। कुछ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आई, प्लान किया, एनालिसिस किया, डिजाइन किया, कोड किया, इम्प्लीमेंट कर दिया, फिर नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आई, इसमें हम ये काम स्पाइरल की फॉर्म में रिपीट करते रहेंगे, और यहाँ पे हम रिस्क को सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई करेंगे। इन दिस केस ईच स्टेज इज प्रीसीडेड बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स एंड रिस्क एनालिसिस। हर स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं और के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, एंड इज देन फॉलोड बाई इवेल्युएशन एंड प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट फेज, और फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज की इवेल्युएशन, और फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज की प्लानिंग। इफ रिस्क कैन नॉट बी रिजॉल्व, प्रोजेक्ट इज इमीडिएटली टर्मिनेटेड। और अगर वो रिस्क आगे जाके भी एंड नहीं हो रहा, रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो हम प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर देंगे, एंड कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास स्पाइरल मॉडल की क्या फंक्शनैलिटी है, डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स, ऑल्टरनेटिव, कंस्ट्रेंट्स। स्टार्ट में हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, नया प्रोजेक्ट आया, उसके हमने ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई किए, ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या क्या आ सकते हैं इस प्रोजेक्ट को काम करने पर, उस पर काम किया, फिर नेक्स्ट आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क। यहाँ पे हम रिस्क की आइडेंटिफिकेशन एंड हाउ कैन वी रिजॉल्व द रिस्क वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट फेज में
डिवेलप एंड वेरीफाई नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे कि हमारे पास जो नेक्स्ट आइट्रेशन आएगी उस पर क्या क्या चीज होंगी, और यहाँ पे हम फिर नेक्स्ट फेज की प्लानिंग कर रहे होंगे। फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स आई, उसके लिए ऑब्जेक्टिव, मतलब ये सारा वही काम, वाटरफॉल वाला सारा काम हम आइट्रेशन में कर रहे होंगे। और ये प्रोजेक्ट, अच्छा हम स्पायरल मॉडल को क्या कह रहे हैं कि स्पायरल मॉडल हमारे पास सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट, यानी कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर को हम कभी भी डिस्कार्ड नहीं करेंगे, उसी में ही फर्दर मॉडिफिकेशन करते हुए सॉफ्टवेयर चलता रहेगा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट आइटरेशन रेड कलर से एनालिसिस डिजाइन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट फेज आया एनालिसिस डिजाइन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, फिर उसकी टेस्टिंग। फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट एक ही है, उसी प्रोजेक्ट की फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आई, उसके एनालिसिस डिजाइन थ्रू आउट, ये काम हम ऑनगोइंग एक्टिविटी करते रहेंगे। फर्दर कोई एनहेंसमेंट और यूजर कह रहा है कोई और रिक्वायरमेंट उसको चाहिए, तो फिर उसमें हम फिर उसकी फिर एनालिसिस, फिर उसके डिजाइन होगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। हम इसको इस तरीके से इवॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, ये फुल वर्जन है अगर स्पाइरल का, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें। स्टार्ट से आएंगे, रिक्वायरमेंट्स प्लान लाइफ साइकिल प्लान, सबसे पहले इनिशियल रिक्वायरमेंट्स आई, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया इसमें। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने उस पर रिस्क एनालिसिस किया और प्रोटोटाइपिंग जनरेट कर दी कि हम जो एप्लीकेशन बना, जितनी रिक्वायरमेंट हमें मिली है उसकी प्रोटोटाइप, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन, यहाँ पे कोड वोट उसका किया, डिवेलपमेंट प्लान। फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स आई, रिस्क एनालिसिस किया, फिर प्रोटोटाइपिंग टू, यहाँ पे हमारे पास सिमुलेशन मॉडल्स बेंचमार्क्स वगैरह वो सब भी हम साथ साथ जनरेट कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स आई, रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट किया, फिर डेवलपमेंट प्लान आ गया। फिर नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आई, उस पर रिस्क एनालिसिस किया, फिर प्रोटोटाइपिंग जनरेट की, सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट का डिजाइन आता चला गया, डिजाइन वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, इंटीग्रेशन एंड टेस्ट प्लानिंग, फिर नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट। इसी तरीके से हमने पूरे सॉफ्टवेयर को स्पायरल में कम्प्लीट कर दिया, डिवेलप वेरीफाई नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट। यहाँ पे साथ साथ हम टेस्टिंग भी कर रहे हैं, कोड हो गया, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, फिर हम नेक्स्ट प्लान जो है वो फेस करेंगे। तो थ्रू आउट हम इन आइट्रेशन में काम कर रहे हैं, और हर आइट्रेशन में हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फोकस क्या है, रिस्क एनालिसिस, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एंड अवॉइड रिस्क। एडवांटेजेस क्या है, द मॉडल एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द आइट्रेटिव नेचर, आइट्रेटिवली काम कर रहे हैं विद अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स। ऐसे प्रोजेक्ट जिसपे अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स हो, स्टार्ट पे सारी रिक्वायरमेंट्स क्लियर ना हो, जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें आप स्टार्ट कर दें, तो उसके लिए यू कैन यूज स्पाइरल मॉडल। इनकॉर्पोरेट द एडवांटेजेस ऑफ द वाटरफॉल एंड रैपिड प्रोटोटाइपिंग मेथड, इसमें हम वाटरफॉल के एडवांटेजेस भी ले रहे हैं और रैपिड प्रोटोटाइपिंग मेथड भी यूज कर रहे हैं, साथ साथ प्रोटोटाइपिंग भी कर रहे हैं। हर उसमें, हर स्पायरल में, हर आइटरेशन में रिस्क फैक्टर डिक्रीज होता चला जा रहा है, क्योंकि हम रिस्क पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा, अब रिस्क से आपके माइंड में चीजें आएंगी कि रिस्क क्या है, रिस्क कैन एनीथिंग दैट कैन बी, हम कह सकते हैं किसी भी चीज को लेकर अनसर्टेनिटी। ठीक है, रिस्क की डिफरेंट टाइप्स हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड रिस्क भी हो सकता है, जिस टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं वो ऑब्सोलीट ना हो जाए, हमारे पास रिसोर्सेज से रिलेटेड भी रिस्क हो सकता है कि मीन टाइम पे कोई इंपॉर्टेंट रिसोर्स छोड़ के ना चली जाए, एनवायरमेंटल रिस्क भी हो सकता है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, अर्थक्वेक, इस तरीके के वेदर कंडीशन, बारिशें ना हो जाए, इस तरीके का रिस्क भी हो सकता है। हमारे पास फंक्शनल रिस्क भी हो सकता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो प्रॉपरली कोड सही से नहीं है, डिजाइन सही से नहीं है। ठीक है, तो रिस्क कैन बी एनीथिंग, कॉस्ट से रिलेटेड रिस्क भी हो सकता है कि जो कॉस्ट बजट हमें मिला है उसमें प्रोजेक्ट कम्प्लीट ना हो, टाइम से रिलेटेड रिस्क भी हो सकता है, स्केड्यूल से रिलेटेड के विद इन, अच्छा मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे पास स्केड्यूल से रिलेटेड रिस्क भी हो सकता है कि विद इन टाइम हम वो चीज़ें परफॉर्म कर सकें या नहीं कर सकें जो टाइम हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो रिस्क